जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा कैमरी है, 2019 मॉडल की गाड़ी है। गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है, ये आप देख रहे हैं चेक इंजन ऑन है और गाड़ी को मैंने स्कैन किया और एक फॉल्ट आ रहा है गाड़ी में। मसला ये आ रहा है कि ये आप हीट की इसकी देख रहे हैं निडल, ये गाड़ी जैसे ही एक खड़ी होती है किसी जगह पर या गाड़ी चलती है तो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि जैसे इसे नॉर्मल रहना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ये नहीं रहता, ये ऊपर चला जाता है नॉर्मल से अबव चला जाता है। तो गाड़ी की चेक इंजन भी ऑन है, गाड़ी को मैंने स्कैन किया हुआ है। सबसे पहले आपको कोड चेक करा देते हैं जो इसमें फॉल्ट आ रहा है। देखें जी इसमें फॉल्ट जो आ रहा है, इंजन कूलेंट पंप एक्चुएटर स्टक का कोड है, यानी कि इसमें जो इसका वाल्व वाटर पंप है वो इलेक्ट्रिक वाटर पंप इस गाड़ी में लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक वाटर पंप जो है वो उसमें एक्चुएटर जो उसकी मोटर है उसमें मसला आ जाता है, वो कभी कभी चलती है कभी नहीं चलती, क्योंकि स्टक का कोड आ गया है कि ज़्यादातर उसमें मसला आता है वो नहीं चलती। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी आप गाड़ी स्टार्ट करके इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ इसका लाइव डाटा इसमें जो डाटा इसका इसमें भी आपको ये शो होगा, लाइव डाटा में भी ये शो होगा, तो यहाँ से भी इसके मैं आपको चेक करा देता हूँ। लाइव डाटा में भी यहाँ इसके आरपीएम वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें इसकी शो हो जाएंगी जो इसमें आनी है, जो इसके आरपीएम जैसे ये काम करता है वो भी इसमें साथ में शो होगा। तो ये जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है इसके लिए माजरत, क्योंकि ये एरिया ऐसे इसमें तमाम मैकेनिकल जो हैं वो काम हो रहे होते हैं, उस वजह से जो है इसमें साउंड वगैरह जो है आपको बैकग्राउंड में आ रही होंगी। तो यहाँ से मैं आपको कूलेंट जो है इसका पंप है यहाँ से वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये इसके अभी गाड़ी बंद है तो इसमें ये जो है वो आपको शो नहीं होंगे इसके आरपीएम वगैरह, लेकिन जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें जी ये देखें जी इलेक्ट्रिक वाटर पंप ये भी चल रहा है, 120 आरपीएम है अभी इसके, अभी ये चल रहा है ठीक है। और जो है वो पंप स्पीड भी आप देख रहे हैं, यही पंप स्पीड है इसकी 150 इसकी पंप स्पीड है आरपीएम इसके वो, और ये टारगेट अभी दे रहा है नीचे लेकिन अभी ज़ीरो है और ये अभी चल रहा है ठीक है। इलेक्ट्रिक वाटर पंप 120 आरपीएम और इसकी जो स्पीड है आरपीएम की वो 120 आरपीएम पर है, तो आप इसे एक्चुएटर टेस्ट से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो कम है जिसकी वजह से ये जो मसला आ रहा है वो गाड़ी कोड दे रही है। तो यहाँ से मैं आपको ये यहाँ पर इसके एक्चुएशन टेस्ट में भी इसका ऑप्शन होगा कि यहाँ से इसका जो आप इलेक्ट्रिक पंप है उसे आप चेक कर सकते हैं। देखें जी इसमें एक्टिवेट द इलेक्ट्रिक पंप, यहाँ से मैं इसको भी ओपन करूँगा। देखें जी इसमें 3000 तक मैक्सिमम इसकी आरपीएम है, यहाँ तक ये जा सकते हैं। यहाँ से मैं ओके करता हूँ और यहाँ से मैं जी इसकी आरपीएम यहाँ से बढ़ाता हूँ। ये देखें जी इसका जो पंप है वो वहाँ बाहर से ऑन होगा, ये बाहर जाके आपको चेक भी करा देता हूँ जी। ये देखिए मैंने लाइव डाटा में जाके इसको एक्चुएशन टेस्ट में जाके इसको ऑन किया हुआ है और ये साउंड शायद आपको आ रही होगी ये, लेकिन इसमें मसला ये है कि कभी ये चलता है कभी नहीं चलता, ये स्टक हो जाता है। तो अब ये इसके चीरे जो खोलेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी गाड़ी में ये चेंज कर सकते हैं। टोयोटा कैमरी 2019 मॉडल की गाड़ी है, इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसका आपने बेल्ट उतारना, और बेल्ट उतारने के बाद जो दूसरा स्टेप है ये इसका आपने अल्टरनेटर जो जनरेटर है ये उतारेंगे। तो एक इसमें होज आता है इसका, ये दो है इसमें, एक ये आगे लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं पानी वाला, और एक इसका पीछे लगा हुआ है। ये इसका थोड़ा सा मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये जी इसके पीछे लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये वाला एक पीछे लगा हुआ है, ये दो पाइप है इसकी और ये इसका ग्रिप है। यहाँ से इसकी आपकी डायग्राम जो है ये इसका नहीं है, ये इसका ग्रिप है जी, ये वाला ये जी छः वायर वाला इसका ग्रिप है ये आप देख रहे हैं।
इस वाटर पंप का, वो आपको डायग्राम चेक कराता हूँ कि इसमें कहाँ क्या कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई जानी है और इसमें करंट या क्या चीज़ें वो सब की मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑल डेटा पर आ चुका हूँ जी। यहाँ से आपको जो 2019 मॉडल जो टोटा कैमरी है, इसमें इंजन जो है वो A25 AFKS इंजन में है और ये आप देख रहे हैं EFI की ये मेन रे। यहाँ से ये इग्निशन जो है वो जाएगा हमारे वाटर पंप में। यहाँ पर जो वाटर पंप है, इलेक्ट्रिक वाटर पंप, उसकी डायग्राम आपके सामने निकालता हूँ। ये पूरी गाड़ी की है। तो यहाँ से मैं जी आपको इसके जो वाटर पंप का है वहाँ से वो पहले आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि जो इसके वाटर पंप में जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई जानी है, कौन सी वायर कहाँ जा रही है, वो आपको तमाम चीज़ें इसमें अभी डायग्राम और सप्लाई चेक करके बताता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर मैं बहुत सी इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके काम में। उसमें मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि आपको एक तो फॉल्ट की समझ आए, दूसरा आप डायग्नोज कर सकें, कोई भी फॉल्ट को आप डायग्नोज कर सकें। तो ये देखें जी, ये इंजन इलेक्ट्रिक पंप है, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इंजन वाटर पंप असम्बली है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वाटर पंप है, तो इसमें ये एक नंबर और चार नंबर, ये देख रहे हैं B+, यहाँ से B+ है ऊपर, ये B+ लिखा हुआ है। एक नंबर और चार नंबर ये करंट है इसकी, और तीन नंबर और छः नंबर जो है वो ग्राउंड है हमारा, वो हमारा ग्राउंड है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड है जी, ये हमारा ग्राउंड है। ये तीन नंबर और छः नंबर ग्राउंड है, और दो नंबर और पाँच नंबर जो है वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जा रही है, ठीक है। वो हमारे कंप्यूटर ECM पे, ये आप देख रहे हैं ECM, यहाँ पर ECM के ऊपर जा रही हैं ये दोनों वायरस की, ECM के ऊपर जा रही हैं। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है, वो इसके दो ग्राउंड चेक करनी है और दो वायरें जो हैं वो इसके जो यहाँ इसमें करंट आना है वो हमने चेक करनी है, क्योंकि दो सिग्नल की वायर हैं। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी में वायरिंग का इशू नहीं है, इसमें पंप का इशू है। तो ये आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी के बाइक के साथ वायरिंग का इशू आ रहा है तो वो ये वायरिंग भी देख सकते हैं। तो ये अभी आपको चल के मल्टीमीटर से मैं दोनों चीज़ें आपको चेक कराता हूँ, तीन नंबर और छः नंबर और एक नंबर और चार नंबर, इसकी जो प्लस माइनस वो है वो दोनों चीज़ें अभी चेक। तो ये आपको सप्लाई चेक करा देता हूँ। ये एक नंबर आप देखें, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये मैंने एक से अग्निशन स्विच ऑन किया हुआ है, ये मेरा ग्राउंड हुआ है यहाँ से मल्टीमीटर। और ये चार नंबर पर भी आप देखें, ये चार नंबर पिन है और यहाँ से भी ग्राउंड आ रहा है। और ये दो वायरें जो है, ये 3 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों जो हैं वो ग्राउंड किए हैं। तो इसे जमा पर लगा दें, ये देखें, ये मैंने इसको प्लस पर किया और यहाँ से इसकी रीडिंग माइनस में चली गई है, देख रहे हैं -12.5 इसमें। और ये 6 नंबर जो हमारी वायर है इसमें भी ये देखें -12.5 है इसमें। तो दो जो हमारी बीच में वायर हैं वो 2 नंबर, और ये आप देख रहे हैं 5 नंबर, ये दोनों वायर जो हैं इसके कंप्यूटर पर जा रही है, ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है, ये दोनों वायर इसके कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं। तो ये थी जी, इसमें जो जो चीज़ें आनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ये दोनों वायरस की कंप्यूटर की हैं। तो ये आपको बता दिया है, एक नंबर और चार नंबर ये प्लस है यानी कि इसका चाबी स्विच, और तीन नंबर और छः नंबर जो है वो इसमें ग्राउंड है, और दो वायरें जो इसके कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं ECM के ऊपर। तो ये वाटर पंप हमने निकाल लिया बाहर, इसमें जो चीज़ आपको खोलने के लिए बोल्ट हैं वो ये है, ये तीन ये है और एक इसका नीचे है, और दो इसके हाउस हैं, ये आप पाइप देखें इसके नीचे दो ये है, और ये जी ये हमारा जो पुराना है, ये आप वाटर पंप देख रहे हैं, ये अंदर से स्टक हो चुका है, ये मूव तो कर रहा है लेकिन इसको ज़ोर से ऐसे मूव करें तो तब जाके ये मूव होगा, ये हल्का मूव नहीं हो रहा है, इसे जोर से करना पड़ रहा है। और ये हमारा जी नया है, तो ये वैसे तो लगा के चेक होता है लेकिन ये आपको बस ये चेक कराने के लिए, देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल आर्म जो है वो बिल्कुल रफली मूव हो रहा है, तो अंदर से ये स्टक हो चुका है हमारा, ये पुराने वाला ये जो है। तो अब इसे हम चेंज करते हैं, और हमारी जो चेक इंजन आ रही है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी इसको चेंज। ये बाहर मैंने निकाला ये पुराना आप दोस्तों को सिर्फ चेक कराने के लिए, देखिए यहाँ से ये स्टक है, यहाँ से ये नॉर्मल है, ये यहाँ से नॉर्मल है, एक जैसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्टक हो गया, ये यहाँ से मूव नहीं रीली कर रहा, तो ये इसमें मसला है, ये यहाँ से स्टक हो चुका है, तो उस वजह से जो कोड हमारा आ रहा था स्टक का, एक्चुएटर स्टक का, वो इस वजह से आ रहा। गाड़ी अब स्टार्ट है जी, गाड़ी में कोड आपको चेक कराएगा, कोड नहीं है, और इसका जो लाइव डेटा है उसमें भी जाके आपको चेक करा देता हूँ जी। इसमें गाड़ी अभी स्टार्ट की है तो इसमें जो इसका टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो इसके RPM वगैरह वो आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि उसमें जो स्टक हो जाता था चलता था लेकिन वो स्टक हो जाता था, लेकिन अब जो है वो हमने न्यू लगा दिया इसमें। ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक वाटर पंप की स्पीड है, ये 1225 RPM, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक टारगेट जो इसके RPM है ये भी 1225 है,
ये 1225 ये RPM इसके अब शो कर रहा है, यानी कि अब बिल्कुल ये नॉर्मल जो है वो अपना मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। पहले ये ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो कोड आ जाता था बार बार। ये तो अब गाड़ी में इसका पंप वगैरह वो सब नॉर्मल है, और ये आप देख रहे हैं जी इसमें अब ये बिल्कुल बराबर अपना काम ये कर रहा है। ये 1200 RPM देख रहे हैं गाड़ी, ये कैमरी है 2019 मॉडल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फॉल्ट आ रहा था वो अब बिल्कुल चला गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, या चैनल पर कभी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।